हेलो एस्पिरेंट इन टूडेज क्लास वी विल डील विद द टॉपिक टॉपिकॉयल रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़ सो लेट स्टार्ट द क्लास विद द वर्ड एक्शन गाइज यू हैव टू एक्ट यू हैव टू एक्ट गाइज यू हैव टू एक्ट नोइंग इज नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई आपको पता है नोइंग इज नॉट इनफ मैं लिख देता हूँ नोइंग इज नॉट इनफ कैसे आपको पता होगा कि कैसे पेपर निकालना है और यू नो हाउ टू अकॉम्पलिश द थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ बट यू हैव टू एक्ट फॉर इट जानने से कुछ नहीं होगा यू हैव टू एक्ट चलिए फिर शुरू करते हैं हम क्लास को टुडे वी आर गोइंग टू हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल है मैप ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सॉइल दैट इज ब्लैक सॉइल कहां कहां अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में ठीक है चलिए गाइज ब्लैक सॉइल यहाँ पे कि आपका जो मा, जो आपका आ, मैकाल रेंज वाला इलाका है दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव ब्लैक सॉइल ठीक है ये वाले प्लेस में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा चलिए ये ब्लैक सॉइल फर्दर वी हैव इन धमदा के पास मिलेगा आपको ऑल्सो इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट वी हैव इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट फर्दर और कहाँ मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको धमतरी में ये आपको मिलेगा गरियाबंद में और यह मिलेगा आपको महासमुंद में इतनी जगह पे आप लोगों को ब्लैक मिलेगा ठीक है कहा मिलेगा ठीक है रेड सैंडी सॉइल चलिए यह जो कांकेर का पूरा इलाका दिख रहा है आप लोग को यहां से स्टार्ट होता है ठीक है पूरा ले जाएंगे इसको नारायणपुर कोंडागांव फर्दर बीजापुर दंतेवाड़ा और बस्तर को छोड़ के ठीक है ये पूरा इलाका जो आपका है ये आपका हो गया रेड सैंडी सॉइल रेड सैंडी सॉइल ठीक है फर्दर रेड मोल्डेड सॉइल कहा मिलेगा रेड सैंडी यहां मिलता है तो रेड मोल्डेड सॉइल लेट्स ड्रॉ इट विथ डिफरेंट कलर हम किससे किससे चलिए रीजन जो दंतेवाड़ा है और सुकमा वाला इलाका है आपका यहाँ आपको मिलता है रेड मोल्डेड लीजिएगा ठीक है ये तो देखिए ठीक? हाँ, ठीक है फर्दर और कौन सा बच गया अब ये हाँ सबसे मेन सॉइल अब यहाँ पे बचा हुआ है रेड येलो सॉइल रेड येलो सॉइल मैं उसको येलो से ही बना दे रहा हूँ ठीक है ये देखिए रेड येलो सोइल रेड येलो सॉइल इज द मोस्ट डोमिनेंट सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ रेड और येल्लो सॉइल आपको पूरी जगह में मिलेगा छत्तीसगढ़ में जितनी जगह बची हुई है जसपुर को छोड़ के और इतना में बनाया है ठीक है तो रेड येलो सॉइल आप पूरा बना सकते हैं जो ये लेफ्ट ओवर इलाका है ना ये पूरा ये पूरा रेड येलो सॉइल है जसपुर को बस छोड़ देना है आपको ठीक है जसपुर को छोड़ना है आपको और पूरा का पूरा जसपुर एंड हाफ ऑफ सरगुजा बोल सकते हैं आप ये हाफ में रेड येलो है और हाफ ऑफ सरगुजा ये पूरा आप बना लेंगे ऐसा ठीक है ये आपका पूरा हो गया ठीक ये जितना आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा आपका रेड येलो सॉइल हो जाएगा फर्दर एक आखिरी सॉइल बचा हुआ है एंड दैट सॉइल इज लेटरेट सॉइल लेटरेट सॉइल जो होता है वो क्या कहाँ कहाँ पे है आप देखेंगे लेटरेट सॉइल जो है वी विल टेक द रंग ग्रीन ठीक है दिस इज द प्लेस जसपुर वाला जो इलाका है ना ये ये आपका सरगुजा और हल्का जसपुर का जो बेस पूरा इलाका है दिस इज लेटराइट सॉइल ठीक है तो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉइल देख लिए कहाँ कहाँ पे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं तो फर्दर हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ लेटराइट सॉइल फर्दर हम लोग देखेंगे अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सॉइल क्या -क्या, क्या क्या कौन एसिड देखिए अब ये जो रेड सैंडी आपका जो रेड येलो सॉइल है रेड येलो सॉइल ये जो है यहाँ आप लिख सकते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों है ये ठीक है देखिए सॉइल दो प्रकार से होते हैं एक एसिडिक नेचर होता है सॉइल का एक बेसिक नेचर होता है सॉइल का तो अब कौन सा सॉइल किस नेचर का है ये जनरली पूछता है तो रेड येलो सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का है ठीक है आपका फिर फर्दर रेड सैंडी सॉइल जो रेड सैंडी सॉइल है वो एसिडिक नेचर का है

ये है ये आप सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल दिख रहा है आपको येलो कलर सबसे ज्यादा दिख रहा है रेड येलो सॉइल वाला तो आप यहां लिख सकते हैं रेड येलो सॉइल जो है रेड येलो सोयल, येलो सोयल. ये आपका 50 टू फिफ्टी फाइव परसेंट छत्तीसगढ़ तो और इसी को हम लोग लोकल लैंग्वेज में मतासी बोलते हैं मतासी ठीक है मतासी सॉइल फर्दर भी है ये आपके पास क्या है रेड सैंडी सॉइल सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है लाल कलर दिख रहा है आपको यहां पे रेड सैंडी सॉइल लाल कलर सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर लॉजिकल है लॉजिकल है लैक रेड सैंडी सॉइल ठीक है ये आपका छत्तीसगढ़ में ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो दंडकार इलाके में है पूरा होल ऑफ uh, दंडकार रीजन लिविंग दंतेवाड़ा एंड सुकमा ठीक है फर्दर हम लोग तीसरे उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और जो सारे देखें कितना हो गया फिफ्टी फाइव प्लस ट्वेंटी तीन चार पांच पांच परसेंट बचा हुआ है तो अब इस इसपे कौन कौन से हैं ब्लैक सॉइल रेड मोल्डेड सॉइल और आपका लेटरेड सॉइल जो पूरे के पूरे तीनों सॉइल है यहाँ है ब्लैक Molded, red molded, और जो जसपुर में है लेटरेड ठीक है चलिए तो अगर इस क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे आप रेड येलो सॉइल सबसे ज्यादा है फिर आपके पास रेड सैंडी सॉइल है ठीक है रेड सैंडी रेड रेड येलो के बाद रेड सैंडी हो गया लाल कलर सबसे ज्यादा दिख रहा है ना आपने फिर उसके बाद रेड मोल्डेड सॉइल है देन इट इज ब्लैक सॉइल और आखिरी में लेटरेट जसपुर वाला रीजन सबसे छोटे इलाके में आपको सबसे कम कहां दिख रहा है वो जसपुर वाला दिख रहा है एक ही डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा जरूर गुझा और फर्दर और सारे ज्यादा दिख रहे है तो ये है सबसे ज्यादा आपके पास रेड येलो फिफ्टी फाइव टू सिक्स फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट सेकंड इज द रेड सैंडी सॉइल दैट इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट देन फर्दर रेड मोल्डेड ब्लैक एंड लेटरेट सॉइल ठीक है फर्दर वी विल डील विद देखिए हमने ये बना लिया डायग्राम नाउ लेट्स राइट वॉट क्वेश्चन आर बीन आज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल टाइप तो फर्स्ट वी विल डील विद रेड येलो सॉइल गाइड रेड येलो

आप लोगों कहा से कहा पूरा ऑलमोस्ट अपर छत्तीसगढ़ पूरा दिख रहा है सरगुजा बेसिन बिलासपुर बेसिन रायपुर बेसिन दुर्ग बेसिन हाँ तो बस वही लिखना है हम लोगों को बस लिखना भी वही है हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ईस्टर्न बघेलखंड ठीक है एंड महानदी बेसिन और प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ महानदी उसी को प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं ना हम लोग अब कौन कौन सी जगह हम लोग और सब डिविजन देख लेते तो कौन कौन सी जगह आती है बिलासपुर आएगी ठीक है देन रायपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, देन दुर्ग डिवीजन, ठीक है ये हो गया तीन डिवीजन आ गए फर्दर सब डिवीजन और कौन सा आएगा सरगुजा सरगुजा ठीक है ना एक्सेप्ट यहां लिख लीजिए जसपुर एक्सेप्ट जसपुर रीजन ठीक है एक्सेप्ट जसपुर रीजन तो ये जो रेड येलो सॉइल है हमने रॉक सिस्टम जो लास्ट टाइम पढ़ा था इस इलाके में आपको कौन सा रॉक सिस्टम हमने पढ़ाया था पेरेंट रॉक कौन सा होगा इसका गोंडवाना रॉक होगा क्योंकि हमने गोंडवाना रॉक सिस्टम देखा था कोयल कोयला मिलता है ना इन इलाकों से इन इलाकों से कोयला मिलता है आपको और यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने गोंडवाना रॉक सिस्टम द न्यूएस्ट द रॉक सिस्टम विच इज हैविंग है तो गोंडवाना रॉक सिस्टम है यहाँ पे गोंडवाना रॉक सिस्टम है यहाँ पे ठीक है कहा ईस्टर्न बघेलखंड और सरगुजा बेसिन में

नेचर फर्दर रेड जो रेड कलर है यह क्यों होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर इज ड्यू टू मैं लिख देता हूं अच्छे से रेड कलर जो है इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड सॉरी फेरस ऑक्साइड फेरस प्रेजेंस फेरस ऑक्साइड के कारण ऑफ फेरस ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है एफ

फेरिक ऑक्साइड ठीक है एफ थ्री ओ फोर होता है ना एफ थ्री ये एफ टू ओ थ्री है ये एफ थ्री ओ फोर है ठीक है अब वॉट हाउ इज द वॉटर रिटेंशन कैपेसिटी वॉटर कितना रिटेंशन करता है तो वॉटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कॉन्टेक्सट ऑफ सॉइल बिकॉज जितना वाटर रिटेंशन होगा उतना आप क्या कर पाएंगे वहां पे अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन कर पाएंगे वहाँ पे ठीक है तो आ, हर सॉइल का अपना डिफरेंट वेजिटेशन होता है क्योंकि हर प्लांट का एक डिफरेंट वाटर इंटेक कैपेसिटी और न्यूट्रेंट इंटेक, इंटेक नीड्स होती हैं वो दोनों नीड्स जो फॉल जो फुलफिल कर पाता है उसी सॉइल पे उस टाइप के पेड़ उगते हैं ठीक है थीके? ये आपको समझने वाली बात है सो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज मीडियम मीडियम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ठीक है तो क्रॉप मीडियम है तो क्रॉप कौन कौन से उगते हैं इन इलाकों में कौन कौन से क्रॉप उगते हैं आप लोग रहते होंगे इन सब डिस्ट्रिक्ट में तो आप लोगों को कौन कौन से क्रॉप दिखते हैं तो इन जगहों पर आप लोगों को क्या क्या दिखते हैं बताइए पैडी दिखता है देन यू सी लिंसिड ऑल्सो कॉटन सीसम मिलेट एंड मेज दिखते हैं सारे भुट्टा ठीक है येल्लो सॉइल को और छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है येल्लो सॉइल जो होती है ना येल्लो सॉइल जो अलग से निकलती है आप लोग आ, किसी के यहाँ जब बोरवेल होता है तो आप लोग देखिए येल्लो सॉइल निकलता है कभी कभी दुर्ग और रायपुर इस इलाकों में दैट इज कॉल्ड एस अच्छा छत्तीसगढ़िया से हैं आप छत्तीसगढ़ से और गाँव गांव से कहीं से बिलोंग करते हैं गांव गांव में आपके घर होंगे तो आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखते हैं कि गांव में येलो कलर से पूरा लिप, लिपा पोती किए होते हैं लोग वही होता है पिलोरी छुई पिलोरी छुई गांव से जो भी आते हैं वो सब लोग अच्छे से जान रहे होंगे मेरी बात को ठीक है अब फर्दर इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम सॉइल एरिया टू फिफ्टी फाइव परसेंट मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम सॉइल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ फर्दर वी विल मूव टूवर्ड सेकंड सॉइल की ओर जाते हैं हम लोग रेड सैंडी सॉइल रेड सैंडी सॉइल लिखते चलिए रेड सैंडी सॉइल ऑल्सो कॉल्ड एज लोमी सॉइल लोमी सॉइल लोमी सॉइल ठीक है एल ओ एम भाई यार मैं फटाफट लिखता हूँ ना कभी कभी मेरे से ना जो अल्फाबेट है वो गलत लिखा जाते हैं ठीक है तो स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान ना दें स्पीडली लिखने के टाइम यही हो जाता है जब दिमाग दो जगह चलते रहता है तो चलिए इट इज द सेकेंड हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट सॉइल इन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ठीक है पेरेंट रॉक क्या है उसका ऊपर हमने क्या देखा गोंडवाना रॉक तो इसका पेरेंट रॉक क्या है ग्रेनाइट मिस्ट ग्रेनाइट मिस्ट फर्दर लोकल नेम क्या है ये बस्तर इलाके में लोकल ही क्या कहलाता है ये टिकरा ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ठीक है टिकरा 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 प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है इसकी एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर ठीक है एक्सटेंशन कहा है इसका एक्सटेंशन तो इट इज एक्सटेंडेड थ्रू बस्तर डिवीजन दंडकारण्य इलाका ठीक है बस्तर डिवीजन जो रेड हमने बनाया था ना वही है ये बस्तर डिविजन दंडकारण्य दंडकारण्य लिख सकते हैं आप वाटर रिटेंशन कैपेसिटी देखिए यहाँ क्या उगता है आपको पता होगा कोदो कुटकी रागी अब इन ये सब जो चीजें हैं किस में उगती हैं वाटर रिटेंशन वाटर कितना चाहिए होता है इन सबको कम वाटर चाहिए होता है तो ऑब्वियसली यहाँ के सॉइल वैसी होगी इसीलिए यहाँ इसको उगाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ लेस है एल ई डब्ल्यू लेस ठीक है तो क्रॉप क्या उगते हैं अभी मैंने बताया आपको मिलेट उगेगा मिलेट को कम वाटर लगता है फर्दर कोरस ग्रेन्स कोरस ग्रेन्स नीड्स लेस वाटर फर्दर कोडो कुटकी कोडो कुटकी कोडो कुटकी चलिए इससे हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं पहला मिलेट कैफे कहां खुल रहा है छत्तीसगढ़ में फर्स्ट मिलेट कैफे फर्स्ट मिलेट कैफे रायगढ़ रायगढ़ में खुल रहा है रायगढ़ ठीक है कोदो की प्रोसेसिंग सेंटर कहां खुल रहा है मैंने बताया था आपको कोदो की प्रोसेसिंग सेंटर कहां खुल रहा है ये सिंगार भाटा सिंगार भाटा कांकेर बताया था मैंने कांकेर 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 का इस बस्तर में कोदो कुट की होता बस्तर डिवीजन में है तो वहीं ना खुलेगा एंड रागी रागी प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ खुल रहा है प्रोसेसिंग सेंटर कुलगांव कुलगांव ये भी बस्तर में है आपका ठीक है बस्तर डिवीजन में है ये सॉरी बस्तर डिवीजन कांकेर ठीक है तो इतना आप लोगों को समझ आना चाहिए फर्दर लेट्स मूव द थर्ड सॉइल देखिए आप लोग ये इलाका है पूरा ये देखिए ये वाला जो है ना ये ये जो इलाका है इसी के बारे में अभी पढ़े हम लोग अभी इसके पहले हमने रेड येलो सॉइल ये पढ़ा फिर हम लोग रेड सबसे ज्यादा क्या है फर्स्ट नंबर पे ये है सेकंड नंबर पे हम लोग इसने हमने इसने पढ़ लिया अब फर्दर हम लोग पढ़ेंगे क्या थर्ड जो ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल कौन सा वाला ये जो इलाका है माइकाल में और ये सब दिख रहा है ना आपको छोटा छोटा ये ब्लैक सॉइल हम लोग पढ़ेंगे अब ठीक है ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल चलिए ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल

पहाड़ से जैसे आप लावा निकला फिर वो इग्नियस रॉक बन गया ठीक है वो इग्नियस रॉक जो है वो धीरे धीरे जब उसमें वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट उड़ के निकलेंगे तो ये जो है आपका क्या बनेंगे यहां पे सेडिमेंट आ जाएंगे अब ये सेडिमेंट जब कॉम्प्रेस होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा बट ये कॉम्प्रेस नहीं हुआ है उस टाइम पे क्या है दिस इज ब्लैक सॉइल यही है ब्लैक सॉइल आपका इसीलिए इट्स कलर इज ब्लैक इन नेचर ठीक है वैसेल्टिक होता है करें कलर अब कलर अगला देख लेते हैं हम लोग कलर कलर क्या होता है ब्लैक वॉट इज द रीजन ड्यू टू फेरिक

चलिए मैं बताई देता हूँ कन्हार रिवर है आपका बलरामपुर में मैं इसलिए बताता हूँ ये सब चीजें भूल जाते हैं लोग फिर ये इस पे इसकी ट्रिब्यूटरी है चनन और चनन पे हमने पढ़ा था पवई वाटरफॉल पवई वाटरफॉल ठीक है चलिए हाँ कन्हार फिर भर्री देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज रेगुर रेगुर कपासी 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 क्यों बोलते हैं इसमें आ, वो उगता है ना आपका कपास कपास किसको बोलते हैं बताइए कमेंट्स में आप लोग ठीक है इतना हो गया फर्दर प्रॉपर्टी क्या है इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेसिक इन नेचर बेसिक इन नेचर और ब्लैक सॉइल चिपचिपा होता है ना ये थिक होता है थिक क्ले क्ले टाइप का होता है आप लोगों लोग देखे होंगे इसको इसीलिए जब ये बरसात नहीं होती है उस जगह पे आप देखे होंगे तो फट जाता है फट जाता है फटे फटे टाइप का दिखता है ना जो सॉइल आप लोग काफी बार देखे होंगे वो सॉइल यही है ब्लैक सॉइल जैसे ही वाटर आता है इसमें तो ये बहुत चिपचिपा सा हो जाता है और जैसे ही ये वाटर हीट अप होता है और वाटर जैसे ही ऑपरेट होता है तो ये सॉइल इतना क्लोजली इंटैक्ट होता है कि ये क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे ये ऐसा सॉइल है तो ऐसा क्रैक ऐसे ऐसे करके दिखेंगे आपको पूरे सॉइल में ऐसा 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 ठीक है मैं इसके जो थंबनेल है उसमें यही फोटो डाल दूंगा चलिए ऐसे ही फोटो कुछ इससे रिलेटेड तो आप लोग उस पर देख पाएंगे ठीक है वाटर रिटेंशन इज हाई 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 ठीक है हाई सो इट इज हाईली फर्टाइल हाईली फर्टाइल है ये ठीक है हार्डली फर्टाइल है और इसमें क्या क्या क्रॉप उगते हैं देखते हैं चले क्रॉप कॉटन शुगर केन और केन शुगर देन ग्राम वीट सोयाबीन छत्तीसगढ़ में सोयाबीन भी खूब होता है ना अच्छा ये टाइप का सॉयल मैक्सिमम आपको महाराष्ट्र रीजन में दिखेगा ये चीजें ठीक है आपको फर्दर लेट्स मूव टूअर्ट द फोर्थ सॉइल द फोर्थ सॉइल ऑफ अच्छा जनरली uh, आप देखिए यह आपको कहां मिल रहा है आपको जो ब्लैक सॉइल है वो कौन से इलाके में मिल रहा है पेनेसूला और डेक और डेकन ट्रेप वाले इलाके में मिल रहा है ये इलाके में मिल रहा है ठीक है फर्दर लेट्स मूव टूअर्थ द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज लेटराइट सॉइल अब दोनों जो है छोट जो चार पाँच सॉइल और पड़ेंगे छोटे छोटे सारे लेट राइट सॉइल ठीक है लेट राइट सॉइल फर्दर ये क्या होता है ये लेटराइट सोइल मैंने कहाँ पढ़ाया आप लोगों को जसपुर वाले इलाके में पढ़ाया मैं जसपुर ये जो दिखा रहा हूँ आपको इलाका ये वाला इलाका ये सोयल है ये लेटराइट सोइल है ये वाला इलाका जो जसपुर का इलाका है ठीक है ये यही है ना ये, ये ये देखिए ये ये जसपुर वाला इलाका ये आपका लेटराइट सोइल है तो फर्दर इसको क्या बोलते हैं मुर्मी जो लोकल भाषा में आप देखेंगे तो मुर्मी और भाटा बोलते हैं इसको भाटा क्या होता है जो छत्तीसगढ़िया आदमी वो जान रहा होगा ठीक है और इट इज ऑल्सो बैरन लैंड इनफर्टाइल लैंड एंड ठीक है ये बैरन लैंड होता है लोकल नेम क्या है इसका मुर्मी मुम में क्या होगी यार खुद सोच के देखिए मुरूम तो आप लोगों को पता ही होगा ना रेड रेड होता है जो बारीक बारीक कंकर होते हैं भाटा भी बोला जाता है इसको इट इज बैरन लैंड इंग्लिश में कहीं पड़ेगा बैरन लैंड है ये

एक सेकेंड गाइस ठीक है टोमेटो पोटैटो पेंसिल वाज नॉट वर्किंग पोटैटो टी लीची ये सारी चीजें वही होती है ना ये सारे के सारे प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हॉर्टिकल्चर टाइप ऑफ क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप यू कैन से ठीक है

ठीक है बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स ठीक है फर्दर द फिफ्थ सॉइल वॉट वी विल स्टडी इज दैट रेड मोल्डेड सॉइल रेड मोल्डेड सॉइल ठीक है रेड मोल्डेड सॉइल दो जगहों पे दिखाया आपको येलो कलर में मैंने बनाया था देखिए ये दंतेवाड़ा सॉरी ब्लू कलर में मैंने बनाया दंतेवाड़ा और ये सुकमा वाला इलाका ये है रेड मोल्डेड सॉइल आपका ठीक है ये है रेड मोल्डेड सॉइल ठीक है ये इसमें ये ग्रेनाइट चिस्ट से बनता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिस्ट होती है और ये जानना है आपने बस एक्सटेंशन फ्रॉम दंतेवाड़ा एंड सम पार्ट ऑफ सुकमा सम पार्ट ऑफ सुकमा पूरा नहीं है इसीलिए मैं सम पार्ट लिख रहा हूं ठीक है फॉर्म फॉर्मेशन बाय फॉर्म बाय ग्रेनाइट ठीक है प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी एसिडिक एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने बताया भी लीस्ट वाटर होल्डिंग इज लीस्ट लीस्ट ज दॉइल विच इज है लीस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है तो विच सॉइल इज हैविंग द मोस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज ब्लैक सॉइल ठीक है लीस्ट यार जनरली आप जब जाएंगे ना उन इलाकों में दंतेवाड़ा के इलाकों में तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि सॉइल एक ही रॉक है ठीक है थीके? तो जनरली दिस टाइप ऑफ सॉइल दिस टाइप ऑफ सॉइल रॉक टाइप ऑफ सॉइल होता है ठीक है आपको देख के लगेगा इट इज रॉक एंड ढीले कड़क कड़क ऐसे बड़े बड़े आपको दिखेंगे पत्थर पत्थर टाइप के दिखेंगे सारे आपको ऐसे भुरभुरा आपको सॉइल स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा बड़े बड़े पत्थर टाइप दिखेंगे सारे सॉइल ठीक है फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल जिसमें मैक्सिमम छत्तीसगढ़ का खेती होती है इस दोरसा सॉइल इसका फॉर्मेशन क्या होता है दोरसा सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ टूट सॉइल दैट इज ब्लैक सॉइल और मतासी जो रेड येलो सॉइल हम पढ़े ना रेड येलो सॉइल इन दोनों का मिक्सचर होता है आपका दोरसा सॉइल ठीक है अब ये क्या हो गया आपका दो, आ, तो इनका कलर क्या होगा इसका कलर होता है आप देखे आप देखे देखे होंगे होंगे डार्क ब्राउन ये जनरली कौन सा जो आपका जहां पे गेहूं होता है और जहां मैक्सिमम एग्रीकल्चर आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में तो आपको रेड येलो नहीं दिखता होगा ब्लैक भी नहीं दिखता होगा ये कलर का सॉइल दिखता होगा दैट इज डार्क ब्राउन कलर सॉइल डार्क ब्राउन कलर सॉइल ठीक है अब आप लोग अब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिखता क्या है हमको पढ़ा तो दिए रेड येलो सॉइल और ब्लैक बट इन दोनों का मिक्सचर हमको दिखता है क्या रेड येलो सॉइल एंड यू कैन नो दैट इट इज मोस्ट मोस्ट यूजफुल सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन राइस कल्टीवेशन और ये जो धान का कटोरा वाला इलाका है तो यहाँ राइस ही तो होता है ना हमारा जो पूरा का पूरा प्लेन इलाका है फर्दर थर्टी परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ स्टेट इज इनसा दोरसा सॉइल थर्टी परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ स्टेट इन दोरसा सॉइल ठीक है दोरसा। फर्दर गाइज एक आखिरी टाइप का सॉइल है हमारे पास वो भी देख लेते हैं कचारी सॉइल ठीक है देन यू विल एंड द क्लास इट इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड बिग देखिए ये एक रिवर है ठीक है ये रिवर आका फ्लो कर रही है, ऐसा करते जाती है, रिवर जब करते जाती है तो अपने जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपका सॉइल को ये छोड़ते हुए डिपोजिट करते हुए जाती है अब जो आस पास का सॉइल होता है इसको हम लोग न्यू एलुवियम बोलते हैं न्यू एलुवियम दैट इज खदार सॉइल ठीक है खादार एंड भांगार हम लोग जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल ठीक है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी के लिए जो जो आपका गंगा गैंगेटिक प्लेन है है और ये सब जगह है, यही, खादार सोयल जो होते हैं इसी इलाके में आपको सबसे ज्यादा मिलता है ठीक है तो यही है आपका कचारी सॉइल फॉर्म बाय द डिपोजिशन लिख लीजिए चलिए डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाई सेडिमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड बिग लेक्स ठीक है बहुत फर्टाइल होता है यह अच्छा ये आपका जो है सैंडी लोमी सॉइल होता है सैंडी लोमी सॉइल ठीक है इट इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर फर्दर किसके लिए यूज होता है गार्डनिंग एंड फ्रूट्स के लिए को लेके जाते हैं लोग डालते हैं जहां पे गार्डनिंग करनी होती है वो सबके लिए ठीक है फर्दर गाइज वी हैव ऑलमोस्ट और ये मिलता कहां पे आपको कचारी सॉइल ये भी लिख लीजिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इट इज फाउंड इन लोअर महानदी बेसिन महानदी बेसिन जनरली ये सॉइल वहीं मिलेगा आपको जो रिवर में ज्यादा ट्रिब्यूटरीज होंगी ज्यादा बड़ी रिवर होंगी जहां ज्यादा बड़ी, बड़ी रिवर होंगी वो ज्यादा सेडिमेंट लेके आएगी रिवर ऑब्वियसली बात है लॉजिकल थिंकिंग तो उन्हीं जगहों पे आपको जनरली ये कचारी सॉइल मिलेगा ठीक है जो कि सारे सारे के सारे कौन कौन से पांच सॉइल देख लीजिए आप लोग ये क्या, क्या क्या देख लिया हमने ब्लैक सॉइल देखा हमने right और फर्दर रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़ सो गाई डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी मेहनत और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो जो डाउट्स हैं आप लोगों को थैंक यू